गोपाल जी 2 रुपया कम है, कल दे दूंगा, चलेगा ना? कल 2 रुपए आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे, दे दूंगा। तो फिर समोसे भी कल ही खा लेना, आज अगर समोसा नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, समझे? चले आते। अरे 2 रुपए के लिए इतना बातें सुना रहे आप मुझे? अरे कल तू अगर बिना पैसे दिए हुए मर गया ना, तो फिर मुझे पैसा वसूलने के लिए तेरे घर में अगले जन्म में कुत्ता बन करके पैदा होना होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, बुजुर्ग लोग कह गए हैं। कागज भी मेरा खराब कर दिया। कैसे आदमी है? उठिए, सुनिए, मुन्ना पालने में नहीं है। क्या? मुन्ना पालने में नहीं है। अरे देखो वही कहीं गिर गया होगा, उधर देखो। आप भी? अरे अमित, अमित पकड़ो, पकड़ो, रुक। कोमल, तुम बच्चा मुझे दे दे, नहीं नहीं मेरे पास आता, बच्चा मुझे दे। बाबूजी, 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 मुझे मेरा बेटा मत छीनिए, प्लीज मेरा बच्चा वापस दे दीजिए। ये फालतू की बातें बंद कर, मैं तेरा बच्चा कोई बाजार में बेचने नहीं जा रहा हूँ। अगर तुझे बच्चा चाहिए तो अपने बाप से कहे मेरी शर्त पूरी करे, जब तक पूरी शर्त नहीं होगी तब तक ये बच्चा मेरे पास जमा रहेगा, समझी तू? बाबू जी मैं आपके पैर पड़ता, मेरा बच्चा बच्ची नहीं है। मत समझ कि तेरी इस हरकत में मैं तेरे पाँव नहीं तोड़ रहा हूँ, समझी? चल भाग गया, तुम लोग यही खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? मैं अंदर जा करके बच कर लू, चलो सब लोग अंदर। समझ बाबूजी। गोपाल के लिए पैसा खून से भी ज्यादा सुर्ख, गहरा और कीमती हो गया था, जिससे ज्यादा से ज्यादा बटोर लेने के पागलपन में अब वो हर रिश्ते की बोली लगाने लगा था, शर्तें रखने लगा था। और यही वजह थी कि उसके अपनों के दिल में भी हर बदलते पल के साथ उसके लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। कोमल, बेटा, बेटा कहाँ चली गई थी तू? हाँ बोल ना, कहाँ चली गई थी? कोमल, मैंने तुम्हें मना किया था ना, उस लिचड़ के पास मत जाना। कैसे ना जाती, मेरा बच्चा उनके पास। ये अकल तुम्हें पहले नहीं आई, जब मैंने उस अनएजुकेटेड अनकल्चर्ड घर के साथ कोई भी रिश्ता बनाने के लिए मना किया था? पापा, जो कुछ हो गया आप उसे बदल नहीं सकते, प्लीज उनकी सारी शर्तें मान लीजिए। नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन उस घटिया गोपाल की एक भी शर्त नहीं मानूंगा मैं, और उसने ये जो प्रॉब्लम खड़ी की है ना, उसका कोई ना कोई तोड़ तो जरूर निकालूंगा। तो सामने से क्या खंभा जैसे आके खड़े हो गए? अरे लड़ना चाहते हो क्या? चाहे जितना अड़ लो या तन लो, मुझसे मेरी शर्त वापस नहीं करवा पाओगे। अब भरोसा ना हो तो इस बात की दूसरी शर्त लगा लो। तुम जैसे कई लंगूरों को अंदर करवाया मैंने, ये मत भूलना कि मैं एक इनकम टैक्स कमिश्नर था। हाँ कमिश्नर थे, लेकिन अब सिर्फ हमारे समधी हो, वो भी लड़की के बाप, इसलिए मुंडी नीची करके इतना अच्छी तरह से जान लो, जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं होती तुम्हारी लड़की ससुराल में कदम नहीं रख पाएगी और बच्चे को तो छू भी नहीं पाएगी। ए बुद्धे, ज्यादा गुलाटी मत मार, मैं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। ए, ए, मेरा कुर्ता छोड़ो, फट जाएगा। अरे छोड़ो, बहुत महंगा कुर्ता है, फट जाएगा। कुर्ता तो क्या, तेरा बहुत कुछ कीमती सामान फाड़ डालेंगे हम। अब ये जो बेइज्जती की है ना, इसको 2 दुनी 4 और 4 दुनी 8 करके लौटाऊंगा, समझे? अब हटोगे या हटवाऊं?
अरे कंचन, अभी के बाबूजी कहाँ गए? कुछ पता है? हमको कुछ बताया नहीं अम्मा। अजीब बात है, आज तो दुकान का भी छुट्टी है और फिर भी चले गए और मोबाइल भी नहीं उठा रहे। हाँ अमित जी और देवर जी भी सुबह से कहीं गए हैं। जैसा बाप वैसे उसके बेटे। का नहीं आए हैं? अच्छा ठीक। हाँ अम्मा, सब के यहाँ फोन करके पूछ चुके हैं, पिताजी किसी के यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। भैया मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए, कहीं ऐसा ना अम्मा उन्हें कुछ हो गया। पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज करवा देंगे, लेकिन पिताजी लौट के आने के बाद जब पूछेंगे कि पुलिस स्टेशन में आने जाने में कितना पैसा लुटवाया है, वो हिसाब किताब तुम दोगे? ये लीजिए, आप लोग खीर खाइए। खीर? यहाँ पिताजी सुबह से गायब हैं, घर नहीं आए हैं, और तुमको ये खीर सूझ रहा है? बाबूजी नहीं है तभी तो खीर बनाया है ना, अगर बाबूजी होते तो खीर बनाने देते क्या? नहीं ना, अभी आप लोग खीर खाइए ना, पता नहीं दोबारा फिर बनाने का मौका मिले या ना मिले। अरे इसमें काजू बादाम हिसाब से डाले हैं कि नहीं? पता है तुम्हारे बाबूजी एक काजू बादाम गिन गिन के रखते हैं। बाबूजी आने से पहले हम बर्तन धुल के रख देंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। अभी अगर बाबूजी आ गए ना तो पता नहीं किस किस के जेब खर्च से पैसे काट लेंगे। चलिए सब मिलके हम खीर खाते हैं। अक्सर अपराध के पीछे तीन कारण होते हैं, संबंधों की उलझन, अहम और अहंकार में लिपटी बदले की भावनाएं, या फिर सब कुछ पाने हासिल कर लेने का लालच और लोभ से भरी आतुरता। कानपुर शहर में 7 अप्रैल 2014 की सुबह अपराध का जो नया चेहरा सामने आया वो बेहद खौफनाक ही नहीं बल्कि हैरान कर देने वाला था। एक रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या जहां कई सवालों के साथ सर उठाए खड़ी थी, वहीं खामोशी से ये बात भी बता रही थी कि इस बर्बर हत्या के पीछे ऐसा कुछ तो जरूर था जो नफरत से सड़कर बेहद कड़वा और जहरीला बन चुका था। खुला है बाबूजी? बाबूजी 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 पुलिस किसी ने बहुत बेरहमी से मारा इसे, जानबूझकर ऐसे मारा है किसी ने या लड़ाई झगड़े में हुआ? यहाँ से कोई रुपए पैसे या फिर कोई कीमती सामान गायब है? गल्ले की चाबी और पैसों का हिसाब किताब तो बाबूजी के पास ही रहता था, अब अगर कुछ गायब भी हुआ होगा तो हम बता नहीं पाएंगे। कब हुआ ये? कल दुकान बंद था और बाबूजी सुबह से ही गायब थे। मैं आया देखा तो शटर का ताला खुला हुआ था लेकिन शटर बंद था। मैं शटर खोल के अंदर आया देखा तो बाबूजी यहाँ पड़े थे। बाबूजी, 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 बाबूजी। आप कौन? ये मेरा छोटा भाई है समर्थ। बड़ी अजीब सी बात है, आपके बाबूजी कल से गायब है, आप लोगों ने उन्हें खोजने की कोशिश नहीं की और ना ही आपने रिपोर्ट करवाई? सर हमने तो कोशिश करी थी, अपने रिश्तेदारों को फोन किया था सर, उनके दोस्तों को भी फोन किया था, हमें लगा था सुबह तक ठीक ठाक होके वापस आ जाएंगे सर, पर ये तो दरअसल हम सोच भी नहीं सकते थे कि बाबूजी के साथ भी कोई कुछ ऐसा कर सकता, उल्टा यही सबको। कल तुम लोगों में से कौन कौन आया था? सर कल दुकान बंद था।
कोई सामान चोरी हुआ यहाँ से? नहीं सर। देखिए फिलहाल आप लोगों में से बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए शहर से कोई नहीं जाएगा। जा लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सर उस एरिया में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि कुछ लोगों ने कल सुबह गोपाल जी को अपने दुकान के अंदर जाते हुए देखा था, मगर वो अकेले ही थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस दुकान में पहले से कोई मौजूद था, उसने खून किया और उसके बाद मौका देखकर शटर डाउन किया और भाग गया। लेकिन सर वहां पहले से ही कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि अमित जी ने हमें कहा था गोपाल जी के पास एक ही चाबी होती है जो दुकान की ओरिजिनल चाबी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि गोपाल जी के बाद वहां कोई आया हो। चलो चलकर देखते हैं कि कौन उनसे इतनी नफरत करता। सर आप लोग इस समय यहाँ पर? आपको जरूरी पूछताछ करनी थी इसलिए। अच्छा ये बताइए कि आपके बाबूजी की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं सर, हमारे पिताजी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बहुत अच्छे इंसान थे। नहीं अंकल, दादाजी अच्छे नहीं थे। ऐसे नहीं बोलते ना, वो क्या है ना सर, बच्चा है, हर बात को दिल पे ले लेता है। हमारे बाबूजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, बस थोड़े कंजूस टाइप के थे। वो एक दिन क्या हुआ कि दादाजी दादाजी हमको भी ये एप्पल दो ना। एप्पल अभी लो बेटा, लो लो ये लो। पर ये तो सिर्फ छिलका है, हमको वो एप्पल दो ना जो आपके हाथ में है। अरे बेटे एप्पल का असली विटामिन तो छिलके में ही होता है, इसे खूब ताकत आती है, लो पूरा खा लो जाओ। तो आप ये छिलका खा लो ना, हमको वो एप्पल दो। उससे बहस करता है, है? एक झापर दूंगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी, भाग यहां से। हाँ सर ये सच है कि हमारे पिताजी थोड़े कंजूस जरूर थे, लेकिन हम सब ने इसको अपना किस्मत मान लिया था। हम लोगों को इससे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। साहब अमित बेटा ठीक ही कह रहा है, पर वो जैसे भी थे घर तो उन्हीं से चलता था। तो फिर उनकी दुश्मनी थी किससे? साहब दुश्मनी जैसा तो उनके साथ कुछ नहीं था। हाँ वो हमारे समधी थे ना, उनके ऊपर खार खाए बैठे हुए थे। समधी यानी कि आपके पिताजी? नहीं नहीं, इसके ससुर जी, हमारी देवरानी कोमल के पिताजी। सर पर वो कल ही कहीं शहर से बाहर चले गए हैं। सर सर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल जी की मौत 11 बजे के आसपास हुई थी सुबह, और मौत के कारण गले में जबरदस्ती ठूसे गए रुपयों और सिक्कों के कारण दम घुटना बताया गया है। लगता है किसी ने भड़ास निकाली गोपाल जी पे। पहले कभी नहीं देखा ऐसा मर्डर। अरे बेटा तू आप लोग यहाँ पर? हाँ पापा, अब हम यहीं रहेंगे। क्यों? गोपाल तो मर गया, अब क्या प्रॉब्लम है उस घर में? अंकल वो भैया ने दुकान पर और घर पर सब चीजों पर कब्जा कर लिया है। अरे कौन तेल में बनाया है जलेबी? कितनी बार बोला है कि पुराने तेल और चाशनी में जलेबी बनाया कर, हा? समझ में नहीं आता है तुमको? गरो तेल इस्तेमाल करेंगे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। चुप, तुमको पगार कौन देता है? हम ना, तो हमारी बात सुन, उन लोगों की बात काहे सुनता है? अभी इसको ले जा, पैक कर और घर भिजवा दे मेरे पत्नी के हाथ में, ठीक है? और वही पुराने तेल और चाशनी में नई जलेबी बना। चल घर भिजवा इसको। तुम्हारे भाई ने कब्जा कर लिया और तुम मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हो? नहीं अंकल ऐसा नहीं। पापा ऐसी बात नहीं है, बस कुछ ही दिनों के लिए, जब तक इनकी नौकरी नहीं लग जाती। इसे जमाई बनाना मेरी मजबूरी थी, लेकिन खर जमाई हरगिज नहीं। पर पापा ऐसे में हम लोग जाएं कहाँ? ठीक है
अगर ऐसी बात है तो तुम यहां पे रुको, लेकिन एक शर्त पर, एक महीने की मोहलत देता हूं। एक महीने के अंदर अपने रहने के लिए दूसरा ठिकाना खोज लेना। सर एक सेकंड, आपसे बात करनी है। हमारे परिवार में से कई लोगों को बाबूजी से बहुत शिकायत थी, उनकी कंजूसी और लालच के कारण। गठिया के कारण जमीन में बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है। अरे कम से कम डाइनिंग टेबल खरीद लिए होते तो कम से कम खाना तो आसानी से खा सकते थे। अरे बैठ के नहीं खा सकती हूँ तो खड़ी होकर के खा लिया करो। अब डाइनिंग टेबल और कुर्सियां लेंगे, उतने पैसे अगर बैंक में रहेंगे तो उसके ब्याज से तुम्हारी गठिया का इलाज तो हो पाए। बहू रानी, आजकल तुम्हारी उंगलियों में गठिया हो गया क्या? नहीं तो बाबूजी। तो फिर दाल में ज्यादा घी कैसे गिर गया? गिरा नहीं है बाबूजी, हमने डाला है। वो क्या है ना, आप इतना मेहनत करते हैं तो हमने सोचा घी खाएंगे तो आपको शक्ति मिलेगी। अच्छा, तो तुमने जान बूझ करके इतना घी डाला। ठीक है, आज तुम्हारे जेब खर्च के भी 20 रुपए मैं अपने गले में डाल लूंगा, बस हिसाब बराबर। ऐसे क्यों बाबूजी? इसलिए कि गलती तुम्हारी और पैसा हमारा, ये नहीं चलेगा, समझी? ये दाल ले जाओ और इसका घी निकाल करके कल की दाल में छौंक लगा देना, समझी? लो ले जाओ। सामद बेटा, कहीं काम की बात बना? अरे नाम के साथ काम में भी समर्थ होता तो मिलता ना काम। अरे समझने की तो कोशिश करिए। मुझे नहीं सरिता, इसको समझाओ, और अगर नहीं समझता है तो अपनी सारी जायदाद, दुकान मकान सब अपने बेटे अमित के नाम कर दूंगा, समझी? देवर जी, आप भी खाना खा लीजिए। नहीं भाभी, कुछ वक्त मुन्ने के साथ बिता ले। कंचन, आप ना हमसे बात मत करिए। जब भी हम आपकी बात सुनते हैं ना, सब काम गलत हो जाता है। अरे हुआ का? इतना जोर जोर से बोल रही हो, आंगन में सब बैठे सुन लेंगे तो गजब हो जाएगा। क्या हुआ? आप ही ने तो कहा था उस बुड्ढे को घी पिला, बुड्ढा खुश हो जाएगा और खरीदारी के लिए पैसा देगा। उस बुड्ढे को तो घी चटवाने से अच्छा था मैं किसी सांप को दूध पिला देती। कंजूस कहीं का। आपको पता है हमारा मन क्या कर रहा है? कहा? अरे हमारा मन कर रहा है ना इसी चाकू से उस बुड्ढे का पेट काट दे और सारा घी बाहर निकाल दे और फिर उसके मुंह पे मार के बोले कि लाओ हमारे 20 रुपए। अरे हर बात में जेब खर्च से पैसे काट लेते हैं, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? जब वो मरेंगे ना तो घर में और दुकान में जितना घी तेल है उसी से उनको फूंक देंगे। उनकी आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन हमारे दिल को बहुत ठंडक पहुंचेगी। बाबूजी का हत्यारा हमारे परिवार में से ही कोई होगा। तो फिर तुम हत्यारे क्यों नहीं हो सकते हो? क्योंकि सर मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है। अजीब बात है, बाप के मरने के बाद बड़ा भाई सारी दौलत पे कुंडली मार के बैठ जाता है और छोटा भाई अपने परिवार के ही खिलाफ हो जाता है। हमारे परिवार में से कई लोगों को बाबूजी से बहुत शिकायत थी और कैलाशनाथ के घर रहने चला जाता है जिससे उसका बाप नफरत करता था। ये कैलाशनाथ वापस आया क्या? जी मैं कैलाशनाथ, गोपाल जी का समधी, रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर। सुना है काफी नाराजगी थी आपकी गोपाल जी से। जी नहीं, नाराजगी तो नहीं थी, ये कह लीजिए दुश्मनी थी, नफरत करता था मैं उससे। हमारे साथ आइए, गोपाल जी के लिए आपकी नफरत और दुश्मनी कितनी थी हमें ये जानना है। आज के दौर में हम सब अपनी सोच के चेहरे पर समझदारी का एक मुखौटा लगाकर जरूर चलते हैं ताकि संबंधों में गर्माहट बनी रहे और हम दूसरों की नफरत का शिकार ना बने। लेकिन कैलाश ने सबके सामने अपने इस मुखौटे को उतार कर रख दिया था और जाहिर कर दिया था कि वो गोपाल के मरने के बाद भी उससे कितनी नफरत करता था। जाहिर था कि इस हत्या के कर्ता और कारण की तलाश में जुटी पुलिस ने कैलाशनाथ को पूछताछ के लिए बुलाया और अब कुछ ऐसी अहम बातें सामने आने वाली थी जो ये तय करती कि क्या कैलाशनाथ की नफरत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो अपना नियंत्रण खोकर अपने समधी गोपाल की हत्या कर बैठा। ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने कि आपकी रिश्तेदारी दुश्मनी में बदल गई थी? रिश्तेदारी गाय की, ये तो हमने समझौता कर लिया था अपनी बेटी की जिद के कारण, वरना ऐसे चिल्लर चोर को मुझ जैसा इनकम टैक्स कमिश्नर अपने सामने खड़ा भी ना होने दे। अभी का वेट कर रहे थे। जी जी जी, आइए प्लीज।
बड़ा घर है आपका, बहुत ही बढ़िया। मीरा जी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है आपका घर। थैंक यू जी। अरे कविता, इनके खाने पीने का इंतजाम। हाँ, अरे नहीं 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 बहन जी, बस आपका घर देख के ही मेरा पेट भर गया। लगता है कैलाश जी ने अंडर द टेबल खूब मलाई चाटी है। मिस्टर गोपाल जी, बच्चों की रिश्ते की बात कर ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भला घर आती हुई लक्ष्मी को कौन लंबा वेट कराएगा है? मतलब आप इतने भोले भी न बनिए कैलाश बाबू। अरे आप इतना भी नहीं समझते। अरे भाई, आपकी घर की लक्ष्मी मेरे घर आएगी तो खाली हाथ तो आएगी नहीं। तो मेरा मतलब यह है कि जो भी हिसाब किताब की बात है हम लोग पहले ही कर लें, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको दहेज चाहिए? हाँ, अब कोई हम अपना लड़का कोई फोकट में तो आपको थोड़े दे देंगे। उठिए जी, उठो। अरे उठो, क्या कह रहे हैं आप? करो बाहर में जाओ। अरे अरे, कोई लेना देना नहीं है। आपका लड़का फुकड़ में बेचो या रद्दी में बेचो, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैलाश बाबू, आप ठीक नहीं कर रही है। ये अच्छा नहीं किया आपने, इसकी कीमत आपको भुगतनी पड़ेगी, कह दे रहा हूँ आपसे मैं। सर उसी वक्त मैंने उस फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन सर मेरी बेटी ने जो है ना रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। मुझे विश्वास था सर कि कुछ दिनों में वो समझ जाएगी, लेकिन नहीं। फिर एक दिन हुआ यूं कि मेरी बदकिस्मती कहो या फिर ये कोइंसिडेंस कहो, एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम में गोपाल दास की दुकान का नाम निकला। मेरे डिपार्टमेंट से मुझे ऑर्डर मिले गोपाल की शॉप पर छापा मारने। डाटा नीचे कर दो, एक लाइन में खड़े हो, लाइन में खड़े हो जाओ, उठो एक लाइन में खड़े हो जाओ। अरे कैलाश जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या है ये सब? इनकम टैक्स रेड है, दिखता नहीं? अरे सर, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इन्फॉर्मेशन गलत है या सही है, इसकी जांच बाद में होगी। अगर आप दोनों ने सरकारी काम में दखल अंदाजी की तो आपको भी अंदर कर दूंगा। अरे ऐसा कैसे अंदर कर देंगे आप? बाबूजी, अंदर करने की बात कर रहे। अरुण, क्या लो? यस सर। तलाशी लो। यस सर। ये क्या है? सर ये देखिए, यहाँ भी मिला। बहुत सारे पैसे सर। सर सर, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे दीजिए। देखता नहीं, शायद गिनने में कोई गलती हो गई। नहीं नहीं, देखिए आप, मैं आपके हाथ जो होता हूँ हम हिसाब किताब कर लेते हैं। देखिए आप बहुत जुल्म कर रहे हैं मेरे ऊपर। सील कर दो सब कुछ। दरअसल गोपाल को यूं लगा कि वो छापा मैंने जानबूझकर मरवाया है, और एक दिन वो मेरे पास आया। देखिए कैलाश जी, ये मत समझिएगा कि जो छापा पड़ा है मैं उसके डर से आया हूँ। फिर किस लिए आए हो? दरअसल मेरे बेटे समर्थ ने अपना बुरा हाल बना रखा है, मुझसे अब उसकी परेशानी और नहीं देखी जाती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिना किसी दान दहेज के आपकी बेटी को अपनी बहू बना लूं। इससे मेरी गलती भी सुधर जाएगी और एक परिवार भी बस जाएगा। लेकिन सर मुझे समझ जाना चाहिए था कि 420 बूढ़ा पश्चाताप करने के लिए नहीं आया मेरे खिलाफ, ये उसका एक पैंतरा था। कैसा पैंतरा? शादी के बाद हर बार छोटा मोटा बहाना बना के वो दहेज लिया करता था। तो फिर आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाई? सर देखिए, एक ही बेटी मेरी, पैसों की लालच में ये बूढ़ा कहीं उसका घर न तोड़ दे, इस डर से मैंने उसकी हर बात मान ली। लेकिन सर इसी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हर छोटी मोटी बात पर वो शर्त रखने लगा। जैसे इनकम टैक्स न देने पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी दुकान के बाहर बड़ा सा ताला लटकवा दिया था, वैसे ही जब तक तुम अपने पिताजी से 20 लाख रुपए ससुराल टैक्स के लेकर के नहीं आ जाती हो, तब तक तुम्हारे लिए भी इस घर के दरवाजे पर उतना ही बड़ा ताला लटका हुआ मिलेगा तुम्हें। मैं उन्हें बता दूंगी, घर अभी तो मुझे अंदर जाने दीजिए। जाओ जाओ, पैसे लेके आओ, तब बात करना। जाओ अभी ले। बाबूजी नहीं नहीं, बाबूजी सुनिए। ना ना ना, पैसे लेके आओ, पैसे लेके आओ। बाबूजी मेरा बच्चा भूख है। अगर आपने उस दिन पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई होती तो आज हमें यही नहीं कहना पड़ता
कि उनकी हत्या कराने की आपके पास कोई ठोस वजह मौजूद है। कहीं तुमने अपनी दुश्मनी तो नहीं निकाली? आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि उस लालची दुकानदार का हत्यारा मैं नहीं हूँ। आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी? उस दिन मैं उसे मिलने गया था लेकिन बात नहीं बनी। फिर उस दिन करीब 10 बजे उसने मुझे मिस कॉल दिया था। मिस कॉल इसलिए कि ताकि उसके पैसे खर्च ना हो, मैंने कॉल बैक नहीं किया। उस दिन तुम कहाँ थे? मैं मेरे घर पे था। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। लेकिन जब आप उस हत्यारों को पकड़ लोगे मैं वापस आऊंगा, हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद कह। गोपाल दास को मारना तो सभी चाहते थे, पर मारा किसे? विश्वास और प्रेम के गारे से बना इंसान का हर रिश्ता अनमोल होता है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जब उस रिश्ते में अविश्वास और लालच का दीमक लगने लगता है, तब गहरे से गहरे रिश्ते की इमारत भी पलक झपकते ही टूटकर बिखर जाती है। गोपाल के लालच ने परिवार के हर रिश्ते को खोखला कर दिया था। प्रेम और विश्वास की जगह नफरत और षड्यंत्र ने ले ली थी, और यही वजह थी कि अब सिर्फ कैलाशनाथ ही नहीं, परिवार का हर सदस्य संदेह के घेरे में आ गया था। सर, गोपाल जी का फोन रिकॉर्ड्स आ गए हैं। उन्हें आखिरी कॉल 7 तारीख को यानी कि हत्या वाले दिन सुबह 10 बजे आया था। और उन्होंने अपना आखिरी कॉल किसे और कब किया था? सर, 3 दिन पहले अपनी ही दुकान में। और उन्हें आखिरी कॉल किसका आया था? सर, कॉल किसका आया था ये तो नहीं पता चला, लेकिन अपने ही दुकान के लैंडलाइन नंबर से। इसका मतलब एक बात पक्की है जा, कि जब गोपाल दुकान पर पहुंचा उस वक्त हत्यारा दुकान के अंदर पहले से ही मौजूद था। उसके पास दुकान की चाबी थी और गोपाल उसे जानता भी था। सर, फिर तो हत्यारा परिवार का ही कोई है, या फिर करीबी कोई जिसकी पहुंच उस चाबी तक थी। लेकिन सर, कैलाश जी के पास भी तो हत्या करने की ठोस वजह थी। वजह तो थी जा, लेकिन उनके पास दुकान की चाबी कैसे आ सकती है? एक काम करते हैं, दुकान चलते हैं। लगता है पिताजी की मौत के बाद काम काफी बढ़ गया। सर, अब हम घर के बड़े बेटे हैं, तो बाबूजी के जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी तो थोड़ी बढ़ी जाती है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिम्मेदारी के पीछे आपके पिताजी की कोई वसीयत हो? सर, हमारे पिताजी का कत्ल हुआ है। आप असली कातिल को ढूंढने के बजाय हमारे घर वालों पर शक कर रहे हैं। अमित जी, पुलिस का काम है जांच करना और शक करना, और आपका कर्तव्य बनता है कि हमारी जांच में हमारा सहयोग करें। बताइए, हम क्या सहयोग करें? अपनी दुकान की ओरिजिनल चाबी दीजिए। जी जी हाँ, हो सकता है अब वो चाबी ही इस हत्या के रहस्य का ताला खोल दे। लाइए। लीजिए। अमित जी, हम आपकी ये चाबी लेकर जा रहे हैं और अपनी जांच होने के बाद ही लौटाएंगे। पुलिस को अब सिर्फ उस डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले की तलाश थी, और उन्हें उम्मीद थी कि उसके बाद अपराधी बच नहीं सकेगा। लेकिन सवाल यह था कि क्या पुलिस को वो चाबी मिल जाएगी, या फिर वो चाबी उन्हें एक बार फिर से उलझा कर रख देगी। हेलो। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। सर, इन्फॉर्मेशन मिली है कि 7 तारीख को 11 बजे के आसपास गोपाल के दुकान के बाहर ग्रे कलर की गाड़ी खड़ी थी। नंबर क्या था उस गाड़ी का? सर, नंबर के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन गाड़ी के नंबर प्लेट पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा था। ग्रे कलर की कार जिसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, वो गाड़ी आप ही की है ना? वो मेरी थी, अब है नहीं। अच्छा, तो अब ये भी बता दीजिए कि वो गाड़ी अब किसकी है? गोपाल। और ये कब और क्यों हुआ? मैंने कहा आपको खास मुबारकबाद दे दूं कि मेरे बेटे ने आपको नाना बना दिया। बेटा समर्थ। जी मम्मी जी। अब मुन्ना को लेके घर आना। अरे सिर्फ समर्थ ही क्यों, आप सभी लोग आइएगा, मिलके पार्टी करते हैं। हाँ, ये बात तो समझी ने बिल्कुल ठीक कही, हम लोग सब इकट्ठे आएंगे। क्या है संदीप साहब, कि आपको तो पता है कि मेरे पास सिर्फ एक स्कूटर है, वो भी पुराना सा। आपके पास तो दो दो गाड़ियां हैं,
एक गाड़ी अगर आप मुझे दे दे तो मतलब ये कि अब तो महीने में एक दो बार आना जाना लगा रहेगा ना। और इस तरह वो मुझे ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गया। उस दिन के बाद वो कार उसी के पास थी। ठीक है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा मिलना शायद जल्दी हो। इंस्पेक्टर अरुण रावत या? ठीक है, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। जैन साहब, ये तो कैलाशनाथ का आईडी है। जी सर। लेकिन गोपाल का मर्डर तो उसकी शॉप पर हुआ था, फिर इस गाड़ी को यहां तक चलाकर कौन लाया? और ये खून किसका है इसमें? एक काम करो सर, इस आईडी को फॉरेंसिक लैब भेजो, मालूम पड़ना चाहिए खून किसका है, और इस कैलाश नाथ को तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर मेरी कार के बारे में मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ, रही बात मेरे आधार कार्ड की, वो तो कुछ दिन पहले गुम हो गया। मुझे तो लगता है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अक्सर जब सबूत अपराधी को घेरने लगते हैं, हर अपराधी यही कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। खैर, अब आप ये भी बता दीजिए कि आपका वो आईडी कब और कहां खोया था। सर एक मिनट। ये जो सर गाड़ी में आई कार्ड पे जो खून लगा हुआ था वो इंसान का नहीं था। इंसान का नहीं था मतलब? सर मुर्गे का खून था। मुर्गे का खून? इसका मतलब ये कैलाशनाथ सच बोल रहा है, इसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अच्छा, उस डुप्लीकेट चाबी के बारे में कुछ पता चला? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन कोशिश जारी है। चाचा, हाल फिलहाल में साबुन के छाप लेकर आपसे ऐसी चाबी किसी ने बनवाया क्या? देखो जरा ठीक से। हाँ सर, बनवाया तो था। उस आदमी को लेके आऊँ तो पहचान लोगे? हाँ सर पहचान लेंगे। फोटो देखो जरा। हाँ सर पहचान आई आदमी। ये आदमी? हाँ ये आदमी। सर 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 हमने हमने चाबी बनवाई जरूर थी सर, पर हमने हमारे पिताजी का कत्ल नहीं किया है। क्यों बनवाई थी चाबी? बोल। चोरी चोरी करने के लिए। हमारे पिताजी सबके सामने बहुत बेइज्जती किया करते थे इसलिए। बाबूजी सारा सामान आ गया? हाँ। सरवन ले जा सारा सामान। तो पैसे वैसे बचे हैं सब लुटा आया? हाँ ये 50 रुपए बचे भी हैं और ये लिस्ट। मैंने तुझे 5,000 रुपए दिए थे, ये 4940 का हिसाब है, 50 रुपए तूने मुझे वापस किए, 10 रुपए कहाँ गए? 10 रुपए बाबूजी मैंने भिखारी को दे दिया। मैं तुम लोगों के लिए एक एक पैसा करके जोड़ता हूँ और तू तूने 10 रुपए भिखारी को दे दिए? अरे किस भिखारी को दे के आया है? वो पिछले चौक में बैठता है ना। अच्छा तू अब तू ऐसा कर, उस भिखारी के पास चला जा, उसके पैर पकड़ ले, फिर उसके हाथ जोड़ दे और कह दे कि गुरुजी मुझे ये विद्या सिखा दो, क्योंकि मेरे बाप ने सारी जमीन जायदाद और ये दुकान मेरे छोटे भाई के नाम लिख दी है, समझे? अरे कल तू देखना भीख पे बैठेगा, कोई 10 रुपए भी नहीं देगा तुझे। बाबूजी गलती हो गई। तेरी पॉकेट मनी में 10 रुपए कट। देते हैं कितना है जो 10 रुपए कट? अरे जो भी देते हैं बहुत देते हैं, जा जाके अपना काम कर। सारे वर्कर के सामने बहुत बेइज्जती करते थे हमारी। बाबूजी 300 रुपए मिलेंगे क्या? 300 रुपए? कुछ काम है। ठीक सरवन इधर तो आ। जी शेर जी। ये अपना टेबल साफ करने वाला कपड़ा इसे दे दे। क्यों शेर जी? आज से तेरा काम ये करेगा। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? तुझे 300 रुपए चाहिए ना, और उसी का जुगाड़ कर रहा हूँ। मैं समझा नहीं। अरे समझदार होगा तब समझेगा ना भाई। वो क्या है कि तुझे 300 रुपए चाहिए, कि तू मेहनत करेगा वेटर की तरह से,
तो तुझे ग्राहक लोग टिप देंगे और टिप में 300 क्या 300 से ज्यादा जमा हो जाएंगे और मुझे भी 300 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। चाहिए तुझे 300 रुपए? नहीं। उसके बाद क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूं। जब तुम अपनी दुकान से पैसे चुरा रहे थे तुम्हारे बाबूजी वहां पहुंच गए और तुमने घबरा करके उनका कत्ल कर दिया, उसके बाद वहां से गाड़ी लेकर के फरार हो गए। नहीं सर, ये बिल्कुल सच नहीं है सर। हम ताला खोल कर अंदर गए, बहुत ढूंढा मगर पैसे मिले नहीं। बाबूजी ने पता नहीं कहां छुपा कर रखे थे, इसलिए हम दुकान में ताला बंद करके और वहां से चले गए। इसे लॉकअप पर डालो, बाकी पूछताछ हम वही करें। यस सर। सर हम सच कह रहे हैं। सर उस गाड़ी के बारे में पता चल गया, मर्डर के एक दिन पहले तक वो किसी वर्कशॉप में थी। कौन से वर्कशॉप में? ये फोटो देखो जरा, ये गाड़ी आई थी। जी सर, पर इसमें कोई खराबी नहीं थी इसलिए फोन करके वापस करवा दी। किसको फोन किया था? सर नाम तो नहीं बताया बट हाँ उनका ड्राइवर आया था अगले दिन गाड़ी लेने। ड्राइवर? ये गोपाल जैसे कंजूस आदमी के पास ड्राइवर कहाँ से आ गया? अच्छा इस ड्राइवर का नाम बता सकते हो? सर नाम एक मिनट चेक करके बताता हूँ। हाँ सर, राजू दुबे नाम था उसका। राजू दुबे। तुम्हारा साहब कौन है? साहब वो गोपाल जी थे ना, उनका बेटा। ये था ये? हाँ सर। अरे समर, इंटरव्यू कैसा हुआ आपका? इंटरव्यू तो अच्छा हुआ मगर इतने सारे लोग सिफारिश लेकर आए हुए थे, तुम हमने पापा से बोल के अगर रेकमेंड करवा दो तो शायद काम बन जाए। इंस्पेक्टर साहब आप? एक इंटरव्यू हमें भी दे दो तो हम तुम्हें एक ऐसी जगह रेकमेंड कर देंगे जहां से तुम चाहोगे तो भी तुम्हें कोई बाहर नहीं निकालेगा। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें अपने पिता गोपाल की हत्या के आरोप में और कानून को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं सर, मुझे अपने लालची और कंजूस बाप से पैसे नहीं चाहिए थे। फिर क्यों मारा अपने बाप को? शांति और सुकून से जीना चाहता था मैं, बिना किसी शर्त के। अगर तुझे बच्चा चाहिए तो अपने बाप से कह मेरी शर्त पूरी करे। उस घटिया गोपाल की एक भी शर्त नहीं मानूंगा मैं। यहाँ पे रुको, लेकिन एक शर्त पर, एक महीने के अंदर अपने रहने के लिए दूसरा ठिकाना खोज लेना। मुझसे मेरी शर्त वापस नहीं करवा पाओगे, अब भरोसा ना हो तो इस बात की दूसरी शर्त लगा लो। तंग आ गया तो दोनों पुट्ठों की लड़ाई से उनकी शर्तों से। मैंने प्लान बनाया, एक सांप को मारकर दूसरे सांप को फंसा देगा, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर मैंने कैलाश जी का आईडी चुरा ली ताकि उन्हें फंसा सकूं और फिर उस गार्ड पर मुर्गे का खून लगाकर उसकी गाड़ी में फेंक दिया ताकि सारा शक उस पर जाए। मुझे पता चल गया था कि अमित भैया ने एक और डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी है, उसी चीज का मैंने फायदा उठाया। बाबूजी और कैलाश जी की तो लड़ाई चल ही रही थी और गाड़ी भी कैलाश जी के नाम पर थी, तो मैंने सोचा उन्हें फंसा दूंगा और खुद बच जाऊंगा। और अपराधी यही सोचता है कि वो अपराध करने के बाद कानून से साफ साफ बच जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि पुलिस अपराध के दाग खोजते खोजते उन तक पहुंच जाती है ताकि समाज को साफ सुथरा रख सके। याद रखें, लालच एक ऐसी प्यास है जिसे आप जितना बुझाने की कोशिश करेंगे ये उतनी ही और लगती जाएगी। गोपाल का लालच भी एक ऐसी ही प्यास थी जिसने उसके साथ साथ उसके घर परिवार का सुख चैन भी छीन लिया। ज्यादा पैसा बटोरने के लालच में उसके द्वारा लगाई गई शर्तों ने ना सिर्फ उसकी जान ले ली बल्कि परिवार के कई और लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। आज उसका अपना ही बेटा उसका हत्यारा बनकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। कोमल से उसका पति जुदा हो गया और उसके बेटे से उसका पिता। याद रखें, सुख से जीने की सिर्फ एक ही शर्त है और वो है संतोष। संतोष वो अवस्था है जिसमें हम अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ संतोष ही है जिससे हम अपने लालच अपने लोभ पर काबू पा सकते हैं। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय।
If you want to enjoy more crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.